नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉलबैक में। और आज के स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रियलमी एक्स टू को रियलमी यूआई में से ColorOS 6 के अंदर इजी और ऑफिशियल तरीके से रोल बैक कर सकते हैं। सो लेट्स गो। तो इससे पहले भी मैं रियलमी यू आई में से ColorOS में डाउनग्रेड करने का वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो मेथड थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और उस मेथड को अनलॉक करने के लिए आपके डिवाइस का बूटलोड भी अनलॉक होना चाहिए था। तो अब यहाँ रियलमी की तरफ से ऑफिशियल मेथड आ चुकी है रोल बैक करने के लिए। वैसे जब रियलमी का फ्लैश टूल आया था, तब उन लोगों ने कहा था कि वो आपको डाउनग्रेड के लिए जल्दी कोई मेथड प्रोवाइड करेंगे, तो ये रही वो मेथड। तो सबसे पहले तो अगर डिस्क्लेमर की बात करें तो इसका यूज़ करने के बाद आपका सारा डेटा इरेज हो जाएगा, तो सबसे पहले तो आपको बैकअप ले लेना है। इसके बाद ColorOS में डाउनलोड करने के बाद आपको कोई भी सिक्योरिटी पेचेस नहीं मिलेगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इसका यूज़ करने के बाद आपकी वारंटी पे भी किसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे अभी इस रोल बैक मेथड की बात करें तो बहुत ही कम डिवाइसेस के लिए ये मेथड अवेलेबल है, जैसे कि रियलमी 3, 3i, X2, X और X2 Pro, और बाकी के डिवाइसेस के लिए भी शायद जल्दी ही मेथड अवेलेबल हो जाएगा। अब इसका यूज़ करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक रियलमी का डिवाइस चाहिए, जैसे कि मेरे पास यहाँ अभी रियलमी X2 है, और आपको वो जिप फाइल चाहिए होगी। बस आपको इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसका यूज़ करने के लिए आपको PC या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैं रियलमी X2 की बात करूँ तो अगर आपको इसका यूज़ करना है तो आपका डिवाइस C.11 वाले वर्जन पे होना चाहिए, और इन फ्यूचर इससे ऊपर वाले वर्जन में भी ये वर्क करेगा। लेकिन अगर आपका डिवाइस C.09 या C.08 वाले वर्जन पे है, या फिर इसके नीचे के किसी भी वर्जन में आपका डिवाइस है, तो ये मेथड आपके अंदर वर्क नहीं करेगा। तो आपको यहाँ से ColorOS की फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो Realme X2 के अंदर AEX और EX दो वर्जन है, तो आपके डिवाइस में जो वर्जन है उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसकी साइज आपको 2.6 GB के अराउंड देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने फाइल डाउनलोड कर ली है। तो यहाँ ये बहुत ही सिंपल मेथड है, जैसे आप अपग्रेड करते हैं वैसे ही आपको डाउनग्रेड करना है। यहाँ सिंपली आपको इस फाइल पर क्लिक करना है और अपग्रेड नाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ColorOS इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ColorOS 6 सक्सेसफुली बूटअप हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम एंड्रॉइड 10 में से एंड्रॉइड 9 में वापस आ चुके हैं। और यहाँ अगर आप वर्जन देखें तो 8.20 वाला वर्जन देखने को मिल रहा है, और यहाँ मार्च का सिक्योरिटी पेज देखने को मिल रहा है। और अगर आपको फिर से रियलमी यूआई के अंदर अपग्रेड करना है तो आपको रियलमी यूआई की ओजिप फाइल डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ सिंपली आपको इस फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको सिंपली अपग्रेड पर क्लिक कर देना है। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि आपको अब ColorOS में डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रियलमी यूआई पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल देखने को मिल रहा है। अब बैटरी बैकअप भी मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब तो सिर्फ चार्जिंग स्पीड यहाँ 19% के बाद बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, और ये प्रॉब्लम आपको ColorOS के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।